लास्ट रन पे आपको एक थ्योरम लिखवा दिया गया था, आज इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। कहा गया था कि एक थ्योरम आपका और बाकी है ना। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवा दिए थे, द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज नॉट कम्प्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। और ठीक इसी के बिहाफ पे एक थ्योरम और है, द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज नॉट कम्प्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते ही आपका ये चैप्टर ख़त्म। चलिए देखिए, सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर ये आपका कंप्लीट नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट एस विच इज बाउंडेड बिलो, जो कि आपका बाउंडेड बिलो है। और फाइनली हम दिखा देंगे कि इसका जो इन्फीमम है वो एक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओवरऑल आप ये मान लीजिए कि उसका इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, उसका इन्फीमम पाया ही नहीं जाएगा, मतलब उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पाया नहीं जाएगा। तो उसके लिए अब हम लोग करेंगे क्या, एस को डिफाइन करेंगे, एस को डिफाइन करने के बाद लोअर क्लास डिफाइन करेंगे, और लोअर क्लास के लिए वही प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। फाइनली हम दिखा देंगे कि उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में वो कंप्लीट नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। देखिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करने का मतलब, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करने का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें देखी वो एग्जिस्टेंस पे थी। अब आपको यहाँ पे बस इतनी बात समझनी है कि डज नॉट एग्जिस्ट इम्प्लाइज वॉट, डज नॉट एग्जिस्ट का क्या सेंस होता है। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब अगर हम लोअर बाउंड का कलेक्शन लेते हैं, दैट इज लोअर क्लास लेते हैं, तो वो लोअर क्लास की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, इतनी सी बात दिखानी रहेगी कि एल डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ लोअर क्लास। ठीक है, तो एक बार एक थ्योरम मैंने आप लोगों को एल के विषय में कराया था कि जिसमें वो लोअर क्लास के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता था, मतलब उसकी तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता था। कुछ कुछ उसी की हेल्प लेकर के करेंगे, हालांकि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट है पूरा का पूरा प्रीवियस सेक्शन से। ठीक है, लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लेट कैपिटल एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू, लेट कैपिटल एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू, लेट कैपिटल एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू विच इज बाउंडेड बिलो, विच इज बाउंडेड बिलो, दैट इज एस इज इक्वल टू x such that x belongs to q plus x square greater than 2। आपको शायद ध्यान आ रहा हो कि ये चीज़ आपको पहले लिखवाई गई है कि हमने एक सबसेट ले लिया, इसमें केवल और केवल वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होगा। अगर हम रियल नंबर लाइन बनाते हैं तो रियल नंबर लाइन पे या रेशनल नंबर लाइन पे 0 इधर की तरफ, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इधर की तरफ, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो हमको केवल वो पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर 4 से कम है। ये आपका डिफाइन करता है एस को, दैट इज एस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर whose square is greater than 2, whose square is greater than 2, मतलब greater than 2 का मतलब ये चीज़, positive greater than 2 यहाँ से शुरू करेंगे, 2 का square 4 यहाँ से शुरू करेंगे, ये हमारा s को define करेगा। 2 positive है, 2 का square करेंगे तो 4 आएगा which is greater than 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 2। इधर भी कुछ एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, जैसे 1.5 का भी स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर देन 2 आएगा, दैट इज़ 3। तो यहाँ से ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं
ये एक तो पॉजिटिव होंगे और दूसरा इनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होगा। इन सारे एलिमेंट्स को ले जा करके हमने एस में रख दिया। इस चैप्टर में पहले भी आपसे कहा गया था कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको याद करके जानी पड़ेंगी कि किसमें कौन सी चीज़ें वो यूज़ हो रही हैं, किसका एप्लीकेशन लिया जा रहा है। ठीक है, लिखिए ये चीज़। लेट एस बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू विच इज बाउंडेड बिलो, दैट इज, एस को उतारिए, नीचे से लिखिए, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ एस इज गिवन बाय, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ एस इज गिवन बाय, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ एस इज गिवन बाय। देखिए ये हमारा एस है, अगर एस के लोअर बाउंड्स की बात करेंगे तो कहते हैं वो सारे एलिमेंट्स लेंगे जो एस में पाए जाने वाले एलिमेंट से छोटे या बराबर होंगे। तो अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो एस तो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, एस में पाए जाने वाले एलिमेंट से छोटा ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। तो आप कह सकते हैं इसमें सारे के सारे नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे और तो और ज़ीरो होगा, और पॉजिटिव में केवल वो लेंगे जिनका स्क्वायर 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा, जिनका स्क्वायर 2 से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा है वो तो इधर रखे गए हैं, लेकिन हमको वो एलिमेंट्स चाहिए जो इधर पाए जाएं। इधर पाए जाएं मतलब वो एलिमेंट्स, पॉजिटिव एलिमेंट्स जिनका स्क्वायर 2 से छोटा होगा, क्योंकि 2 से बड़ा स्क्वायर रखने वाले उधर की तरफ है। ठीक है, तो लोअर क्लास में सारे के सारे नेगेटिव रैशनल नंबर यूनियन ज़ीरो रैशनल नंबर यूनियन वो सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर 2 से छोटा या बराबर होगा। हम बराबर को भी लेंगे क्योंकि लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि दो लोगों के बीच में वी हैव टू फाइंड ओनली 3 रिलेशंस, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर टू। ग्रेटर वाले इधर आ गए, देन वी हैव टू फाइंड दोज एलिमेंट्स विच आर हेयर। हेयर में आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू इम्प्लाई करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब शायद आपको ये क्वेश्चन कुछ ध्यान में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी आपको कराया है और दिखाया था कि ये लोअर बाउंडेडनेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसी की हम लोग हेल्प लेकर के इसको अब आगे प्रूफ करेंगे। उतारिए एल को। हो गया। चलिए अब पहले के उसी पूरे प्रूफ पे आ रहे हैं। ठीक है, हम दिखा देंगे कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एल लोअर क्लास की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। लोअर क्लास की डेफिनेशन क्या होती थी, एल इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर या प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q तो हो जाएगा क्योंकि जीरो इसमें पाया जा रहा है, दैट इज L इज नॉन एम्प्टी, और ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर इसमें पाए नहीं जा रहे हैं इसलिए प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। दूसरे में हम लोग कहते थे A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, A इज लेस देन B, B बिलोंग्स टू Q, देन ऑब्वियसली A बिलोंग्स टू Q या A बिलोंग्स टू L। दूसरी डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेटिस्फाई होती है। हम तीसरी डेफिनेशन पे अप्रोच करेंगे, एल डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। ठीक है, हम इस डेफिनेशन को साक्षात्कार करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि वो प्रूफ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लिखिए नीचे से, लेट स्मॉल ए बी एनी रेशनल नंबर, लेट स्मॉल ए बी एनी रेशनल नंबर, लेट स्मॉल ए बी एनी रैशनल नंबर सच दैट ए बिलोंग्स टू एल।
लेट स्मॉल ए बी एनी रेशनल नंबर सच दैट ए बिलोंग्स टू एल. ठीक है, अब केवल इतना दिखा लीजिए, एल डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट. अगर एल के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा तो एल तो लोअर बाउंड्स का कलेक्शन है, उसमें कोई भी चीज़ ग्रेटेस्ट नहीं मिल रही है. ग्रेटेस्ट नहीं मिलेगी मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब उसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब हमको केवल इतनी सी बात दिखानी है, एल डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट. L लोअर बाउंड्स का कलेक्शन, उसमें कोई भी ग्रेटेस्ट नहीं है मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. हमने मान लिया कि A L में पाया जाने वाला कोई एलिमेंट है. अब बस फाइनली हमको दिखा देना है कि A ग्रेटेस्ट नहीं है, तो क्या क्या संजोग बनेगा. देखिए क्या क्या पोस्टुलेट्स बनेंगे. पहले पोस्टुलेट्स में हम लोग कहेंगे केस फर्स्ट में कि A हमारा या तो नेगेटिव है या A हमारा ज़ीरो है. क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट ए या तो ज़ीरो से छोटा है दैट मीन्स नेगेटिव, या ज़ीरो के बराबर है दैट इज़ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो. पहले पोस्टुलेट में हम लोग कंसीडर करेंगे ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो. जब ए की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है मतलब यहाँ से यहाँ तक में है, तो हम दिखा देंगे कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे जो ए से बड़े होंगे, जो ए से बड़े होंगे और जिनका स्क्वायर टू से छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू हमने माइनस वन ले ली तो तुरंत एक एलिमेंट हमको मिलेगा माइनस वन बाई टू, जो कि ऑब्वियसली ए से बड़ा है एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा वन बाई फोर जो कि टू से छोटा है. मतलब हमको इस पोस्टुलेट में दिखाना है कि ए ग्रेटेस्ट नहीं है. ए ग्रेटेस्ट नहीं है तो ए कोई भी कंडीशन में क्यों ना बिलोंग करे, ए से बड़ा कोई ना कोई एलिमेंट डेफिनेटली हमको मिल जाएगा. तो पहले केस में हमने कहा कि ए नेगेटिव या ज़ीरो है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिया, तुरंत हमने देखा कि एक एलिमेंट हमको ये मिला जो कि ए से बड़ा है और जिसका स्क्वायर इससे छोटा है. चूँकि b का स्क्वायर 2 से छोटा है इसका मतलब b कहाँ पाया जाएगा, l में, और साथ ही साथ b a से क्या है, बड़ा है. चूँकि a से बड़ा एक एलिमेंट हमको मिल रहा है दैट मीन्स a इज़ नॉट ग्रेटेस्ट. केवल माइंड में एक चीज़ रखिए अपने कि हमको ये शो करना है ए इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट. ए बड़ा एलिमेंट नहीं है मतलब ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है. केवल इतनी चीज़ हमको शो करनी है. अब ए के क्या क्या कंडीशन बनेगी. पहली कंडीशन ए की ये बनेगी, दूसरी कंडीशन ए की ये बनेगी. पहली कंडीशन में हमने कहा ए या तो नेगेटिव है या ज़ीरो के बराबर है, तो तुरंत हमने ए से बड़ा एक एलिमेंट बी ढूंढ निकाला जिसका स्क्वायर टू से छोटा है. तो उसका स्क्वायर टू से छोटा है मतलब ऑब्वियसली बी कहाँ पाया जाएगा, एल में. हमने ए से बड़ा एक एलिमेंट एल में ढूंढ लिया मतलब ए ग्रेटेस्ट नहीं है. अगर ए ग्रेटेस्ट नहीं है तो इस केस में ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा. चूँकि ए आर्बिटेरी था, आर्बिटेरी एलिमेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं बनाया, तो कोई भी एलिमेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं बनाएगा. इस केस में उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा. लिखिए इस बात को. लेट ए बी एनी रेशनल नंबर सच दैट ए बिलोंग्स टू एल. नीचे से लिखिए, देन देयर आर फॉलोइंग टू केसेस. देन देयर आर फॉलोइंग टू केसेस. देन देयर आर फॉलोइंग टू केसेस. केस वन, केस वन, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, देन देयर आर मैनी रेशनल नंबर. देन देयर आर मैनी रेशनल नंबर
which are greater than a and whose square is less than 2, that rational number belongs to L. यही लिखवाया. इफ ए इज लेस देन योर इक्वल टू जीरो देन वी कैन फाइंड मेनी रेशनल नंबर विच इज ग्रेटर देन ए एंड हुज स्क्वायर इज लेस देन टू दैट इज दैट रेशनल नंबर बिलोंग्स टू एल. नीचे से लिखिए इन सच आ केस ए इज नॉट द greatest lower bound. In this case, A is not the greatest lower bound of L. फिर नीचे से लिखिए since A is taken arbitrary, hence no element of L, hence no element of L is the greatest lower bound of S. Hence, no element of L is the greatest lower bound of S. Next, आलिए case 2. अब case 2 में हम ये postulate लेंगे कि A हमारा positive है और उसका square less than or equal to 2 है. ए हमारा पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 है. लिखिए केस 2. इफ ए इज बिलोंग्स टू क्यू प्लस एंड ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2 फाइनली अब इस केस में फिर से हम दिखा देंगे कि ए हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है. मतलब ए से बड़ा एक एलिमेंट बी पाया जाएगा जो कि एल में होगा और वो बी से ग्रेटर होगा. मतलब हम दिखा देंगे ए से ग्रेटर एक एलिमेंट बी पाया जाएगा एल के अंदर. तो दो बातें दिखानी है, एक तो बी एल में पाया जाएगा, दूसरा बी ए से ग्रेटर है. ये दोनों पोस्टुलेट्स अब हम लोग को बारी बारी से दिखाने होंगे. लिखिए नीचे से लेट अस कंसीडर आर रेशनल नंबर बी सच दैट B is equal to 6 + 5a / 5 + 3a. ये आपको ये याद करना पड़ेगा. ये पीछे भी आपको पढ़ाया गया था कि ये रेशनल नंबर अगर हम लेते हैं तो वो इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. मतलब इस केस में B L में भी पाया जाता है और साथ ही साथ B A से ग्रेटर हो जाता है. ठीक है, लेट अस कंसीडर आर रेशनल नंबर बी इज इक्वल टू 6 + 5a / 5 + 3a. ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, ए पॉजिटिव है, मतलब ए ग्रेटर देन ज़ीरो है. अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ऑब्वियसली 5a भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और तो और 3a भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. अब ज़रा सा इसमें 6 ऐड करिए,
सिक्स प्लस फाइव है इज़ ग्रेटर देन सिक्स, वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, और इसमें फाइव ऐड करिए, फाइव प्लस थ्री ए ग्रेटर देन फाइव, वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है. दिस इम्प्लाइज दैट सिक्स प्लस फाइव ए अपॉन फाइव प्लस थ्री ए ऑब्वियसली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. मतलब ये टर्म हमारा कैसा होगा? ग्रेटर देन ज़ीरो. बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि बी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है. अगर बी पॉजिटिव रैशनल नंबर है और बी को एल में पाया जाना है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि बी का स्क्वायर टू से छोटा या बराबर है. बी पॉजिटिव नंबर है, तो अगर हमको ये शो करना है कि बी एल में पाया जाए, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि उसका स्क्वायर टू से छोटा या बराबर है, तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी. दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू टू. लिखिए इतना. फिर देखिए, नाउ हमको दिखाना है बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू टू, दैट इज टू माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं. टू माइनस बी स्क्वायर मतलब सिक्स प्लस फाइव ए अपॉन फाइव प्लस थ्री ए का स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस, ऊपर आएगा थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर प्लस टेन सिक्स सिक्सटी ए होल अपॉन, नीचे मिलेगा 25 प्लस 9 ए स्क्वायर 30 ए, जिसको सॉल्व किया जाए 2 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दुना 50 प्लस 18 ए स्क्वायर प्लस 60 ए माइनस 36 माइनस 25 ए स्क्वायर माइनस 60 ए होल अपॉन, नीचे 25 प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस 30 ए. दिस इम्प्लाइज 2 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, ये इससे सॉल्व होगा तो देगा माइनस 8 माइनस 7 ए स्क्वायर. ठीक, ये दोनों सॉल्व होकर के दिए, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों सॉल्व होगा तो आपको देगा प्लस 14, नीचे मिलेगा वापस से 5 प्लस 3 ए का होल स्क्वायर. माइनस 7 को कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 3 ए का होल स्क्वायर. आपने कहा है कि ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 है. सिंस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट, सीधे सीधे आप कह देंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट 2 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये पूरा का पूरा टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज 7 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3 ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2 माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2. बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 है, साथ ही साथ बी पॉजिटिव है, इसका केवल ये मतलब होगा कि बी एल में पाया जाएगा. हमने ये दिखा दिया कि बी एल में पाया जा रहा है, अब बस इतना दिखा दीजिए कि ए ग्रेटेस्ट नहीं है, मतलब ए से बड़ा कौन है? बी. केवल इतनी सी बात, उतारिए ये पूरा.
चलिए अब इस पोस्टुलेट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। लिखिए अगेन 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 b माइनस a इज इक्वल टू b की वैल्यू है 6 प्लस 5 a अपॉन 5 प्लस 3 a माइनस a। दिस इंप्लाइज b माइनस a इज इक्वल टू 6 प्लस 5 a माइनस 5 a माइनस 3 a स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3 a। 5a से 5a कट जाएगा, आएगा 6 माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3a। दिस इंप्लाइज b माइनस a इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3a। अब देखिए आपसे कहा गया है ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज 2 माइनस ए स्क्वायर 2 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ए से बड़ा एक एलिमेंट एल में मिल रहा है, ए से बड़ा एक एलिमेंट एल में मिल रहा है, इसका मतलब ए ग्रेटेस्ट नहीं है। उतारिए इतना फिर लिखवा रहे हम। लिखिए नीचे से विच शोज दैट ए इज नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल। विच शोज दैट ए इज नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल। Which shows that A is not the greatest element of L. नीचे से लिखिए since A is taken arbitrary, hence no element of L is its greatest element. Hence, no element of L is its greatest element. Line change करके from case first and second, we find that
फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाइंड दैट एल हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट. फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाइंड दैट एल हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट. Therefore, no element of L. Therefore, no element of L. Therefore, no element of L is greatest lower bound of set S. Hence, no element of L is greatest lower bound of set S. Thus, Q does not satisfy the definition of completeness of lower boundedness. Hence, Q is not complete. Important theorem में से एक था ये. Next and last theorem of this chapter लिखिए. The set Q of all rational number. is not complete with respect to upper boundedness. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह करेंगे जैसे पहले किया था. सबसे पहले S को ही सबसेट ले लेंगे, S को डिफाइन कर लेंगे, फिर इसके अपर बाउंड्स का कलेक्शन लेंगे और दिखा देंगे कि U does not have least element in it. U के पास least element नहीं है. U अपर बाउंड्स का कलेक्शन, उसमें लीस्ट नहीं है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड नहीं है. लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा तो हमारा क्यू अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीटनेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. बिल्कुल पीछे के ट्रैक पे है, बस अब हम लिखवाते चल रहे हैं. लिखिए, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ let S be a non-empty subset of Q which is bounded above. That is, S is equal to X such that X belongs to Q plus X square less than 2. बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे ही. 0 इधर की तरफ, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इधर की तरफ -1, -2, -3 एंड सो ऑन. कह रहा है S में वो सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर 2 से छोटा होगा. 2 से छोटा होगा मतलब ये हमारा S है जिनका स्क्वायर 2 से छोटा होगा. उन सबको ले जा करके हमने कहाँ रख दिया, S में रख दिया. लिखिए, S इज इक्वल टू X इज सच दैट X बिलोंग्स टू Q प्लस कॉमा X स्क्वायर लेस देन 2. चूंकि S बाउंडेड अबव है तो उसके अपर बाउंड्स पाए जाएंगे. अपर बाउंड्स जितने भी हैं उन सबको हम ले जा करके U में रख रहे हैं. नीचे से लिखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स
कलेक्शन ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स ऑफ द सेट एस इज गिवन बाय कलेक्शन ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स ऑफ सेट एस इज गिवन बाय लिखिए. अब इसकी अपर क्लास में देखिए क्या क्या आएंगे. एक तो आपके नेगेटिव रेशनल नंबर्स आएंगे, दूसरा आपका ज़ीरो आएगा, और तीसरा वो सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आएंगे जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होगा. लिखिए थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव कर लीजिए, बिल्कुल ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं, प्लस और ये नेगेटिव. पीछे वाले में हमने एस की जगह लिखा था एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू, यहाँ पे ठीक उल्टा ले रहे हैं एक्स इज सच दैट बिलोंग्स टू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन टू. वहाँ पे लिए थे एक्स माइनस यूनियन ज़ीरो कंडीशन, यहाँ पे ठीक इसका उल्टा ले रहे हैं. नीचे से लिखिए नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट यू डज नॉट हैव लीस्ट एलिमेंट इन इट, यू डज नॉट हैव लीस्ट एलिमेंट इन इट, यू डज नॉट हैव लीस्ट एलिमेंट इन इट. नीचे से लिखिए लेट स्मॉल ए बी एनी रेशनल नंबर, लेट स्मॉल ए बी एनी रेशनल नंबर सच दैट ए बिलोंग्स टू यू, लेट स्मॉल ए बी एनी रेशनल नंबर सच दैट ए बिलोंग्स टू यू, सच दैट ए बिलोंग्स टू यू. Then there are following two cases. Then there are following two cases. Case first में कहेंगे if a is greater than, मतलब a को इसमें मानेंगे if a is greater than or equal to zero. अगर a को greater than or equal to zero मान रहे हैं तो हम कहेंगे कि a से छोटे a is greater than or equal to 0 मान रहे हैं, मतलब a की वैल्यू 2 मान रहे हैं, तो हम कहेंगे कि a से छोटे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, a से छोटे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं जिनका स्क्वायर करने पर greater than or equal to 2 आए. ए से छोटे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं जिनका स्क्वायर करने पर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू आए. आप देख सकते हैं ए की वैल्यू हमने टू ली, तो ए से छोटा, ए से छोटा एक एलिमेंट हमने बी ले लिया, ए से छोटा एक एलिमेंट हमने बी ले लिया जिसका स्क्वायर करने पर टू से बड़ा और इक्वल टू मिल रहा है, जिसका स्क्वायर करने पर टू से बड़ा और इक्वल टू मिल रहा है. मतलब बी कहाँ पाया जाएगा, यू में, क्योंकि बी यू में पाया जा रहा है और बी ए से छोटा है, इसका मतलब ए लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा. क्या कहे, अगर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो ए से छोटा ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे जिनका स्क्वायर करने पर टू से बड़ा और बराबर होगा, मतलब वो यू में पाया जाएगा, यू में पाया जा रहा है और ए से छोटा है, इसका मतलब ए लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा. लिखिए इस बात को. केस वन, इफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो then there are many rational number
देन देयर आर मैनी रैशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन ए देन देयर आर मैनी रैशनल नंबर विच आर लेस देन ए which are less than a and whose square is greater than 2 and whose square is greater than 2 that element belongs to you. नीचे से लिखिए hence a is not the least element of u क्योंकि a से छोटा एक एलिमेंट क्या मिल गया b hence a is not the least element of u. फिर नीचे से लिखिए since a is taken arbitrary, thus no element of u is its least element. Thus, no element of u is its least element. केस वन में तो हमने दिखा दिया कि यू का कोई भी लीस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा. अब केस टू की बारी. मान लेंगे कि ए लेस देन ज़ीरो है सच दैट उसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है. अब फर्दर देन फिर इस केस में हम दिखाएंगे कि ए इज़ नॉट द लीस्ट एलिमेंट. ठीक है, लिखिए केस टू में If a is less than zero, such that a square is greater than or equal to two. नीचे से लिखिए. Then let us consider a rational number small b. Then let us consider a rational number small b such that b is equal to, फिर से वही चीज़ लिख लीजिए, 6 plus 5a upon 5 plus 3a. देखिए चूंकि a लेस देन ज़ीरो है तो 5a भी लेस देन ज़ीरो होगा और 3a भी लेस देन ज़ीरो होगा. दिस इम्प्लाइज दैट 6 plus 5a less than 6 और 5 plus 3a less than 5 होगा. दिस इम्प्लाइज दैट 6 plus 5a upon 5 plus 3a less than 6 upon 5 that is less than 0 होगा. लिखिए b is equal to 6 plus 5a upon 5 plus 3a less than 0. 6 plus 5a upon 5 plus 3a less than 0. अब हमको दिखाना है कि ये b भी u में पाया जाएगा और दूसरा b लीस्ट होगा a से. b u में पाया जाएगा इसका मतलब b का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा. नाउ 2 minus b square is equal to 2 minus 6 plus 5a upon 5 plus 3a का स्क्वायर. पीछे आपने कैलकुलेशन किया था, इसकी वैल्यू जो आती है वो डायरेक्टली लिख लीजिए, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा. इसकी वैल्यू आती है 7. 2 minus a square upon 5 plus 3a का स्क्वायर. अब देखिए सिंस
ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, दिस इम्प्लाइज टू माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. टू माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज टू माइनस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इधर भेज दीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू टू. बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है, इसका साफ मतलब है कि बी एल में पाया जाएगा, सॉरी यू में पाया जाएगा. एंड अब दूसरा करने चल रहे हैं. एंड अब हमको दिखाना है कि ए लीस्ट नहीं है, मतलब बी माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे. बी की वैल्यू है 6 + 5a अपॉन 5 + 3a माइनस ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी 5a से 5a कट जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 5 + 3a, ये b माइनस ए की वैल्यू होगी. ठीक है, फिर से वही चीज़ कि 2 माइनस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट b इज लेस देन और इक्वल टू a. b इज लेस देन और इक्वल टू a मतलब a से छोटा एक एलिमेंट और पाया जा रहा है जो कि u में है. तो मतलब a से ये छोटा है तो a छोटा नहीं है. a इज नॉट द लीस्ट एलिमेंट ऑफ u, लीस्ट एलिमेंट ऑफ u. उतारिए इतना पूरा. हो गया भाई, उतारिए जल्दी.
नीचे से लिखिए, सिंस ए इज टेकन आर्बिटेरी, सिंस ए इज टेकन आर्बिटेरी, सिंस ए इज टेकन आर्बिटेरी, हैंस नो एलिमेंट ऑफ यू इज इट्स लीस्ट एलिमेंट, हैंस नो एलिमेंट ऑफ यू इज इट्स लीस्ट एलिमेंट। फिर नीचे से लिखिए, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाइंड दैट, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाइंड दैट यू हैज नो लीस्ट एलिमेंट इन इट, यू हैज नो लीस्ट एलिमेंट इन इट, फुल स्टॉप, यू हैज नो लीस्ट एलिमेंट इन इट, फुल स्टॉप, देयरफोर नो एलिमेंट ऑफ यू, देयरफोर नो एलिमेंट ऑफ यू, देयरफोर नो एलिमेंट ऑफ यू इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस, देयरफोर नो एलिमेंट ऑफ यू इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस, नो एलिमेंट ऑफ यू इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। नीचे से लिखिए, दस क्यू डज नॉट सेटिस्फाई, दस क्यू डज नॉट सेटिस्फाई, दस क्यू डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस, दस क्यू डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस फुल स्टॉप, हैंस, हैंस क्यू इज नॉट, हैंस क्यू इज नॉट, हैंस क्यू इज नॉट कंप्लीट, हैंस क्यू इज नॉट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, हैंस क्यू इज नॉट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, हैंस क्यू इज नॉट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। हो गया, अब ये चैप्टर आपका पूरा ओवरऑल ख़त्म हो गया है, जिसमें कोई भी चीज़ अब आपकी बची हुई नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग अप्रोच करेंगे एक नए चैप्टर सीक्वेंस पे, आज बस इतना ही, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे सीक्वेंस, ठीक है।